साउमी 13 प्रो जो कल ही लॉन्च हुआ फ्लेक्सिप फोन है फास्ट रिफ्रेश रेट 2K LTPO OLED डिस्प्ले फ्लेक्सिप प्रोसेसर वन ईच सोनी एट 989 कैमरा सेंसर ह्यूज बैटरी फास्ट वायरलेस चार्जिंग एंड मेनिमो दोस्तों आज मैं Xiaomi 13 Pro का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं जो कल ही लॉन्च हुआ फ्लेक्सिव फोन है मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेकिंग स्ट्रीट और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारी चैनल में देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑफन टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो ये है साउमी थर्टीन प्रो का ब्लैक कलर में बॉक्स जो हर बार की तरह इस बार भी बॉक्स ब्लैक कलर में देखने को मिलता है बस इस बार फोन के ब्रांडिंग के साथ लाइका का ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है बॉक्स के बैक में डिस्पोजेबल सीलेंट का यूज हुआ है तो बॉक्स के प्लास्टिक को यहाँ से आसानी से ओपन कर लेते हैं बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो बॉक्स यहाँ पे इस बार पतला मिल जाता है और आपको सभी जगह पे लाइका का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा फोन यहाँ पे थोड़ा हेवी फील होता है इस कार्डबोर्ड बॉक्स में ट्रांसपेरेंट है।, है पावर सी तो देना चाहिए था पावर अडेप्टर 120 ट्वेंटी वोट की आउटपुट को सपोर्ट करता है सिक्स एम्पियर का केबल मिल जाता है जो साइज में थोड़ा पतला है और आप यहाँ पे पावर अडप्टर भी देख सकते हैं इसकी साइज भी स्मॉल मिल जाती है अब फोन के प्लास्टिक वेब को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की फोन का फर्स्ट लुक देखे तो कौड स्क्रीन मिल जाती है यहां पे हाइपर स्क्रीन का यूज हुआ है स्क्रीन में सेल्फी के लिए पंच होल मिल जाता है फ्रेम देखे तो साइड से यहां पे कौड देखने को मिलती है और टॉप और बॉटम से देखे तो फ्लैट मिल जाती है और फ्रेम की जो बॉर्डर है वो भी राउंडेड मिल जाती है अब फोन के बैक पे आ जाते हैं फर्स्ट लुक देखे तो बैक यहाँ पे ग्रे कलर में देखने को मिल जाता है और बैक देखे तो साउमी मी मिक्स फोर जैसा देखने को मिलता है जहाँ पे बैक यूनिबॉडी सिरामिक का मिलता है और यहाँ पे भी बैक आपको सिरामिक का ही देखने को मिलेगा तो टच पे काफी अच्छी फील मिलती है कैमरा मॉड्यूल देखे तो बम्पी मिल जाता है और मॉड्यूल की कॉर्नर राउंडेड दी गई है और फोन का जो बैक देखे तो वो भी राउंडेड राइट कॉर्नर के साथ आता है वैसे साउमी 13 की डिजाइन टफ मिल जाती है बैक और फ्रेम दोनों फ्लैट मिल जाते हैं और दोस्तों साउमी 13 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में आज ही बताने वाला हूं सो स्टे कनेक्टेड विथ योर चैनल कंपेयर में साउमी 13 प्रो का बैक देखें तो कॉर्नर राउंडेड मिल जाती है यानी फोन की इनहैंड फील काफी अच्छी मिलेगी यानी होल्ड करना भी काफी आसान होगा और कंफर्टेबल होगा और ग्रिप भी अच्छी मिलेगी फोन का वेट देखे तो करीब 238.8 हंड्रेड ग्राम्स का है। वैसे वेट काफी ज्यादा है लेकिन ज्यादातर फ्लेक्सिप और गेमिंग फोन्स के जो वेट है वो ज्यादा ही होते हैं। लेकिन साउमी 13 प्रो को होल्ड करना काफी आसान होगा क्योंकि कवर बैक और फ्रंट मिलता है लेकिन साउमी 13 का वेट 189.8 ग्राम्स का ही है कैमरा मॉड्यूल देखे तो साउ में 13 और 13 प्रो में ऑलमोस्ट सेम ही शेप में मिल जाता है लेकिन कैमरा में सेंसर डिफरेंट मिल जाते हैं थर्टीन प्रो में हायर ग्रेड का सेंसर मिलेगा मॉड्यूल में हर बार की तरह लेंस सेपरेशन लाइन भी देखने को मिल जाती है राइट right में देखे तो पावर बटन एयर वॉल्यूम ब्रोकर मिल जाता है लेफ्ट साइड प्लेन मिल जाती है लेकिन इंटेना लाइन देखने को मिलेगी बॉटम में ड्यूल सिम ट्रे मिल जाता है और यहाँ पे एच कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा तो अगर ज्यादा स्टोरेज का यूज है तो पहले से ही हायर स्टोरेज वेरिएंट लेना पड़ेगा और सिम ट्रे में देखे तो वाटरप्रूफ रबर स्ट्रिप देखने को मिल जाती है और फोन में आईपी सिक्सटी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिल जाती है और एज अ फ्लेक्सिप फोन आईपी रेटिंग तो मिलनी ही चाहिए वैसे ये ग्रे कलर नहीं है व्हाइट ग्रीन कलर है इसके अलावा व्हाइट ब्लू एंड ब्लैक कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं फोन में कैमरा बम्पी है तो प्रोटेक्टिव केस का यूज भी करना चाहिए और साउमी 13 के साथ कैमरा मॉड्यूल की कंपैरिजन देखे तो ऑलमोस्ट सेम साइज का मिल जाता है लेकिन 13 प्रो में स्लाइटली बड़ा देखने को मिलता है ऑल ओवर साउमी थर्टीन प्रो की डिजाइन प्रीमियम मिल जाती है अब बात करते हैं साउमी थर्टीन प्रो के डिस्प्ले की फोन में सिक्स पॉइंट सेवन थ्री इंच की कौड ओलेट डिस्प्ले मिल जाती है स्क्रीन में साइड एंड टॉप बेजल्स पतली मिल जाती है लेकिन चीन थोड़ी बड़ी मिलती है डिस्प्ले में रिजोल्यूशन टू का मिल जाता है डिफॉल्ट रिजोल्यूशन यहाँ पे फुल एच प्लस मिलता है लेकिन टू का ऑप्शन मिल जाएगा जो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा लेकिन वहां पर क्लियरिटी भी ज्यादा मिलेगी साथ में रिफ्रेश रेट वन ट्वेंटी की मिल जाती है और रिफ्रेश रेट ए मिलती है तो वन हर्ट्स टू वन ट्वेंटी रिफ्रेश रेट मिलेगी तो पावर कंजम्पन भी कम होगा और रिफ्रेश रेट को सिक्सटी हर्ट्स में स्विच भी कर सकते हैं साथ में डिस्प्ले में डायमंड पिक्सल अरेजमेंट्स भी देखने को मिलता है और डिस्प्ले तो फ्लेक्सिप मिलेगी और साथ में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा क्योंकि डिस्प्ले तो अच्छी है साथ में स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं

करता है और आखिरी में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है जो 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है आप यहाँ पे कैमरा ऐप में देख सकते हैं

नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है साथ में LPDDR5X रैम मिल जाती है और UFS 4.0 स्टोरेज मिल जाता है फोन में परफॉर्मेंस तो फ्लेक्सिप ही मिलेगा इस पर कंपनी फोन में एक इंपैक्ट 59.9 APS की एवरेज फ्रेम रेट से खेल सकते हैं साथ में फोन में हाई एंड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाती है और दोस्तों मैं गेमिंग टेस्ट भी जल्दी ही डिटेल रिव्यू के वीडियो में बताने वाला हूँ कनेक्टेड so और वहां पे जल्दी ही पता चल जाएगा गेंजन सही में 60 यानी 59.9 एफपीएस पे चलती है या नहीं साउमी 13 प्रो में बैटरी की बात करें तो 4820 एमएच एट की लार्ज बैटरी मिल जाती है बैटरी को चार्ज करने के लिए वन ट्वेंटी का वायर चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जो बैटरी को नाइन्टी मिनट्स में ही जीरो टू हंड्रेड चार्ज कर देता है और फिफ्टी वोट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जो बैटरी को थर्टी मिनट में ही जीरो टू हंड्रेड चार्ज कर दे उमी थर्टीन प्रो की प्राइस की बात करें तो बेस वेरियंट की प्राइस इंडियन रुपीज करीब फिफ्टी नाइन थाउजेंड से शुरू होती है कंक्लूजन पे तो फोन में डिस्प्ले सुपर मिलेगी परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाता है कैमरा के बारे में डिटेल रिव्यू में वीडियो बताने वाला हूँ बाकी बैटरी भी अच्छी मिल जाती है अब देखना यह है कि इंडिया में कब लॉन्च होता है कौन सी प्राइस में आता है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं साउमी थर्टीन प्रो के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला वे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग है